तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आलू और बैंगन की स्वादिष्ट और मसालेदार सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाला है और उसमें आलू काट के हम फ्राई करेंगे। एक आलू हमने लिया था बड़े साइज़ का, उसे लंबे लंबे भागों में इस प्रकार के शेप में काटा है, इसे बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा आलू लगभग फ्राई हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे, आलू को अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इसे निकालने के बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन हमने 3 लिया था, मीडियम साइज़ का 3 बैंगन, और एक बैंगन को हमने 4 भागों में काटा था, ये सॉरी 8 भागों में। तो ये देखिए हमारा बैंगन भी देखिए फ्राई हो चुका है। तो अब हम बैंगन को निकाल लेंगे, तो उसमें जो तेल बचा हो उसमें हम हरी मिर्च 3 से 4 हमने 2 भागों में काटा था हरी मिर्च को, और थोड़ी सी जीरा हम डालेंगे, खड़ा जीरा, और उसके बाद इसे थोड़ी सी भून लेंगे। उसके बाद हमने प्याज का जो प्योरी तैयार किया है वो डालेंगे। प्याज हमने एक छोटी सी प्याज लिया है और उसका प्योरी बना के पेस्ट बना के इसमें डाला है, और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने एक छोटे साइज का लिया था, और इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच कैस्पर्स जीरा और मरीच का इस्तेमाल किया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियां। जीरा मरीच आधी से थोड़ी सी कम हमने लिया था, और अब इसमें सूखी मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हमने, और इसे अब ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक। थोड़ी सी पानी हम ऐड कर देंगे मसाले को भूनने के लिए। अदरक लहसुन को हम डालने के बाद 1 से 2 मिनट भूनेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड करेंगे इसमें, कम या ज़्यादा जैसा खाते हो आप। और नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से सेट हो सके। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने लगभग 1.5 कटोरी के आसपास इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स। तो आपको ग्रेवी जैसी रखनी हो तो आप उस हिसाब से रखें। तो अब हम इसमें आलू डाल लेंगे और उसके बाद हम बैंगन भी डाल लेंगे इसमें। ये हमारा फ्राई किया हुआ बैंगन था। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इस प्रकार से सब्जी को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो इन सबको हम कवर करके 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। तो ये देखिए
तो हमारा पक चुका है अच्छे से। अब लास्ट में थोड़ी सी हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे इसमें और इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू और बैंगन की इस प्रकार की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व के लिए निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आप देखिए, इसकी ग्रेवी भी देखिए। और इस प्रकार से आप बनाएंगे फ्रेंड्स अपने घर पे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।